लग रहा भाई हमारी बजरी अंडे देने वाली है। ये देखो वाइट वाली जो अंदर बैठी हुई है ना, क्योंकि भाई कभी इस वाले में बैठ जाती है तो कभी इस वाले में बैठ जाती है। कमेंट करके बताना भाई आप सभी भाइयों को क्या लग रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई जो भी मेरा भाई चैनल पे नया हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और सारे भाइयों से भाई मैं ये कहना चाहता हूँ यार, आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते तो भाई वीडियो को पूरी देखना एंड तक। तो फिलहाल भाई हम बैठे हुए नीचे, क्योंकि भाई छत पर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। दिखाता हूँ बैठने का राज भी यूँ है, क्योंकि भाई आज से मैं सोच रहा हूँ ट्रेनिंग शुरू कर दूँ। और ये देख सकते हो अपने पट्टे भी उड़ रहे हैं। एक ये वाइट बच्चा दिख रहा होगा और एक हरा बच्चा उड़ रहा है। इसमें स्लेटी बच्चा थोड़ी दिक्कत में, वरना उसे भी उड़ा ही देता हूँ भाई मैं। तो आज भाई मैंने इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है, तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर हाँ इतना है कि भाई मैंने सुबह उड़ाए थे ना तो 2.5-3 घंटे ही अपने उड़ गए थे। और अभी भी मैं इनको उड़ा रहा हूँ, मतलब हो गए इनको लगभग 2 घंटे होने वाले हैं। भाई धूप हो रही है बहुत ज़्यादा और टाइम हो रहा है भाई आपका 5 बज रहे हैं, शायद 5 या 5:30 ऐसा ही टाइम हो रहा होगा। लेकिन फिर भी अभी भी ये 2 घंटे से लगभग उड़ रहे हैं अपना, सही नीचे हो रहे हैं ऊपर हो रहे हैं, अब सही चल रहे हैं। मतलब अब मैं भाई छत पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। यहीं नीचे वाली छत पे देख लो भाई कितनी धूप है। और यहीं कुर्सी लगा के बैठा हूँ और इनको देख रहा हूँ कि भाई क्या रिपोर्ट है, कब तक उतरेंगे। और ज़्यादा तंग भी नहीं करूँगा भाई इन्हें, ठीक है। तो धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट होती रहेगी भाई इनकी। और अभी इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि भाई अभी कबूतर परिंद भी नहीं है सारे, और इसमें तो भाई अधिकतर जोड़े वाले कबूतर भी उड़ रहे हैं, मतलब उसमें तो बहुत कम उड़ाऊँगा मैं। और ये देखो भाई आप सभी भाइयों को दिखाऊं, एक जंगली बच्चा है, कोई स्लिप पे छोड़ गया था। तो भाई पता नहीं लोग बाग ऐसा क्यों करते हैं, हमने फिर भी इसको रख लिया। और मैं इसको भाई 2 दिन से हाथ से छुपा रहा हूँ, मैंने दिखाया नहीं था आप सभी भाइयों को, पर आज दिखा दे रहा हूँ भाई। ये देखो उसका पोटा देखो फुल है। और भाई जो मद्रासी कबूतर होता है ना, उसमें यही खासियत होती है कि वो बिंद नहीं लगता। और मुझे भाई मतलब कबूतर ऐसे अच्छे लगते हैं जो मतलब अधम में नॉर्मल हाइट पर उड़े। अब ये बिल्कुल नॉर्मल हाइट पर है, थोड़े ऊंचे हो गए हैं वैसे नीचे और बल्कि इससे और नीचे चलते हैं भाई ये, ठीक है। देखो अभी लंबे भी जाते हैं। और अपना एक पट्टा ये खुला हुआ है मद्रासी लाल, देख लो भाई इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं है, पर मैंने इसको खोल रखा है ताकि ये भी देखे खड़ान वड़ान। देखो भाई इस पट्टे की, कमेंट करके बताना भाई कैसा लगा बच्चा। ये देखो चीची कर रहा है बिल्कुल, और चेहरा देखो भाई इसका कैसा है। इसकी माँ जो है ना भाई, ये री लाल मद्रासन हमारी, दिखा देता हूँ आप सभी भाइयों को। बच्चे निकल रहे हैं अभी इसके नीचे भाई, ठीक है। इसको खोलने का बस अभी यही रीज़न है कि भाई अभी ये थोड़ा बीमार भी था, थोड़ा ठीक भी हो जाएगा खोलने से। और कबूतरों को भी देखता रहेगा कैसे उड़ते हैं। ये देखो भाई, कमेंट करो भाई, शौक करो पहले पट्टे का कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना भाई। ये देखो चेहरा देखो भाई इसका, बाकी कबूतर चले गए अपने, ये चल ले, ये देख लो दिख रहे होंगे। वो देखो हो गया। और इसमें से तो भाई मैंने जोड़े वाले कबूतर उड़ा रखे, इन सबको छांट दूंगा इसमें से। ज़्यादा से आप 6-7 कबूतर होंगे अपने उड़ने वाले, क्योंकि बाकी तो भाई इसमें है जाल में पट्टे, जो कि अभी बिल्कुल पर नहीं है इनके, इसीलिए पर आते ही देरी भाई इनको ही सेट करूँगा। और इन कबूतरों को भाई उस वाले जाल पर सेट करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, एक बच्चा वो बैठा, इसके सामने वाला दुआज भी उड़ाऊँगा भाई, उसके पीछे दुआज बच्चा है वो भी उड़ेगा, ये जो अपना बच्चा 3 दिन के लिए रह गया था वो भी उड़ाऊँगा भाई। और एक ये मादिन बैठी है भाई, जीरी मद्रासन, ये तो बड़ी टोप की है भाई, टांग में लग गई थी, अब तो टांग सही हो गई भाई भगवान की वजह से। और ये देखो काशनी बच्चा है मद्रासी, इसे भी उड़ाऊँगा। और ये वाला बच्चा भाई हमारा थोड़ा दिक्कत में गिर गया था, कुत्ते ने इसको थोड़ा जख्मी तो नहीं कह सकते, मतलब ये डर गया था उस वक्त से भाई, थोड़ा डरा सा रहता है, लेकिन इसे भी उड़ाएंगे ज़रूर, ठीक है। और उसके पीछे एक बच्चा बैठा है सेंधा, और एक ही फुलसरा, और एक ही कलपरा पट्टा निकल रहा है। देखो कमेंट करके बताओ कैसा लगा। फिलहाल भाई इस बच्चे का चल रहा है ट्रीटमेंट। ये देखो भाई इसकी आँखों में पता नहीं क्या हो गया यार, मवाद सा भर रहा है जिससे इसे दिक्कत हो रही है भाई बच्चे को, ठीक है। और थोड़ा दाना भी है भाई जिससे मैं इसे चुगा दूँ भरपेट। बहुत अच्छा बच्चा है यार ये, भंवरा चोटीदार,
दाने आ रहे हैं यार, गर्मी आ रही है ना, इस वजह से कबूतर ज़्यादा गर्मी खा रहा है। और पट्ठों में तो बहुत जल्दी भाई गर्मी, मतलब वो बहुत जल्दी गर्मी मानते हैं भाई कबूतर, पट्ठे जो होते हैं। ठीक है, इसको मैं दाना चुगाता हूँ। तो फिलहाल भाइयों कबूतर तो उतर चुके हैं और इनको भाई मैंने दाना वगैरह भी कर दिया है। ठीक है, तो भाइयों टाइम हो रहा है तकरीबन 6 और मैंने इन कबूतरों को भाई उतार लिया है क्योंकि मुझे गोले भी खोलने हैं अपने। और फिर भी भाई धूप अभी भी बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि टाइम बीता ही नहीं है और धूप अभी भी उतनी है, मतलब कड़क है। अभी यहाँ तो जाली वगैरह लगी है इसीलिए छाएँ सी लग रही है। मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, देखो भाई धूप देखो कितनी है, देख रहे हो उधर, देखो भाई छतों पे धूप पे देखो कितनी है। फिर भी मैंने भाई जल्दी उतार लिया है, पर ये थोड़ा बहुत और उड़ते हैं मुझे पता है, पर मैंने भाई इसलिए नहीं उड़ाया क्योंकि मुझे अभी वो कबूतर खोलने हैं। ठीक है, इनको दाना वगैरह दे के पानी ये रखा हुआ है भाई, गर्म था पानी टंकी में, ठीक है इसीलिए ठंडा होने के लिए डाल रखा है। अब इसको कूंदे में डाल दिया ना तो भाई थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अभी नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर कबूतरों को दूंगा तो फिर कबूतर सही से पियेंगे भाई आराम से। ठीक है, फिलहाल भाई अपने ये कबूतर खोल दिए हैं गोले वगैरह। धूप इतनी है कि भाई खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही, छत पे इतनी ज़्यादा धूप है भाई क्या ही बताऊँ। और कबूतरों के मुंह देख सकते हो भाई कैसे फट रहे हैं, अभी मैंने एक हाथ ही उड़ाया है और फिर भी भाई मुंह देखो कबूतरों के, ये देखो ये अपना न्यू कबूतर है भाई लाल। ठीक है, फिर भी इसको 2 दिन ही हुए हैं, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा खुले हुए, फिर भी उड़ा रहे हैं इसको बढ़िया। ये देखो भाई इसका मुँह कितना फट रहा है, और मैंने ध्यान नहीं दिया था भाई 2 कबूतर अपने उड़ते ही रह गए थे, जो कि ये है एक, ये नफ्ता कबूतर और ये नफ्ती तो भाई बैठ गई, ये भी बैठ ही रहा है, ये नहीं उतरे थे। बाकी वो वाले कबूतर मैंने बंद कर दिए और कुछ कबूतर बैठे हुए हैं भाई, अभी ज़्यादा पेल नहीं रहे इन्हें, तंग हो इसीलिए इन्हें तंग नहीं कर रहे, मुँह इतना फाड़ रहे हैं यार क्या करें, खुद नहीं मन कर रहा इन्हें उड़ाने का बेचारों का, इसीलिए दाना वाना कर रहा हूँ ऊपर नीचे भाई थोड़ा बहुत बस। बाकी बने रहो वीडियो में। फिलहाल भाइयों ये वाले कबूतर तो बंद कर दिए हैं, और भाई ये जाल आपको सभी भाइयों को खाली लग रहा होगा क्योंकि भाई मैंने इसमें से जो उड़ाने वाले पट्ठे थे ना वो सारे उस वाले जाल में डाल दिए हैं, मतलब मादिनों में। और दिखा देता हूँ, और भाई एक कबूतर हमारा बंद नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत कर रहा है बंद करने में जोड़े वालों में का, इसका नर है जो कि, इसलिए मैंने गेट भी खोल रखा है ताकि आ जाए जल्दी से। और दिखाता हूँ भाई, इसमें मैंने सेट कर दिया भाई सारे बच्चे वगैरह, जैसे सफ़ेद बच्चा दिख रहा होगा, ये सिलेटी बच्चा दिख रहा होगा, ये दुआज बच्चा, ऐसी भाई मैंने सारे बंद कर दिए हैं। ठीक है, पानी वगैरह सब डाल दिया इन कबूतरों का अपने,